अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफिया हसीब अली। आज हम बात करने वाले हैं मैक्यूल्स में, ठीक है। लास्ट हमने बात की थी लाइसोसोम्स पे, वेसिकल्स पे, अब हम बात कर रहे हैं मैक्यूल्स पे, ठीक है। कि मैक्यूल्स क्या होते हैं। मैक्यूल्स आल्सो अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये भी एक ऑर्गेनल है, लेकिन जो है मैक्यूल्स, अगर हम मैक्यूल्स की बात करते हैं, वैक्यूल जो होते हैं फुल फिल्ड स्पेसेस, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस हैं, मतलब कि ये एक वैक्यूल है, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होते हैं, ठीक है। दैट अकर इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, नॉट डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, बट आर वेरी स्मॉल और कम्प्लीटली एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ये होता क्या है कि हमारे पास ये दो सेल हैं, एक प्लांट सेल है, ठीक है, और ये हमारे पास है, सॉरी ये एनिमल सेल है, ये हमारे पास प्लांट सेल है। ये जो है सेंटर में हमारे प्लांट सेल के वैक्यूल है, ठीक है, और जो एनिमल है, एनिमल में ये जो प्लांट सेल होता है, ठीक है, इसमें वैक्यूल की जो क्वांटिटी होती है, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो सिंपल वन वैक्यूल मौजूद होता है, ठीक है, और साइज में ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और कहाँ पे मौजूद होता है? सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में मौजूद होता है, जबकि न्यूक्लियस जो है उसके साइड में प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल में ये स्कैटर्ड होता है, मतलब कि फैला हुआ होता है, और समटाइम्स ये कम्प्लीटली क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है? बेसिकली जिस तरह से लाइसोसोम का काम होता है, उसी तरह से प्लांट सेल में इसका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है। फूड को क्या करना? डाइजेस्ट करना, साथ साथ फूड को स्टोर करके रखना। प्लांट सेल्स जनरली हैव वन लार्ज वैक्यूल दैट टेक्स अप मोस्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम इन मैच्योर सेल्स। ये क्या होते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल बाउंड्री होते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब ये होता है कि ये हर चीज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं देते कि कोई भी मटेरियल आया, चलो आ जाओ अंदर, ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, सिर्फ वो चीज़ें ही यहाँ से गुजर सकती हैं, लाइक शुगर, सॉल्ट, आयंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं इससे गुजरने की इन लोगों को इजाज़त होती है, ठीक है, इन चीज़ों को इजाज़त होती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इस बाउंड्री को, टोनोप्लास्ट। सराउंड द वैक्यूल्स, द वैक्यूल कंटेन्स सेल सैप विच इज़ अ लिक्विड। अच्छा, इसके अंदर जो है ना लिक्विड मौजूद होता है। ये एक मैं दो सेल बनाती हूँ, ठीक है, ये एक वैक्यूल है, ये एक वैक्यूल है। इस वैक्यूल में जो है फ्लूइड मौजूद है, ठीक है। इस फ्लूइड का काम क्या होता है कि प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करना, मतलब टाइटनेस, प्लांट को सपोर्ट करना, प्लांट को शेप प्रोवाइड करना, ठीक है, किसका काम होता है? वैक्यूल्स का काम होता है। द वैक्यूल्स कंटेन सेल सैप विच इज़ अ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ वाटर, मिनरल, सॉल्ट, शुगर एंड अमाइनो एसिड, जहाँ पे क्या ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। द वैक्यूल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाइड्रोलिसिस, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है हाइड्रोलिसिस में। एक्सक्रीशन ऑफ सेलुलर वेस्ट, जो भी प्लांट का जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो कहाँ से रिलीज हो रहा होता है? वैक्यूल से। स्टोरेज ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है टर्जिडिटी, प्लांट में जो है टर्जिडिटी आती है, मतलब टाइटनेस, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है वैक्यूल। और यहीं पे जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मौजूद होते हैं। तो ये सारा काम था वैक्यूल का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों से शेयर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।